तो भालू कैसे हो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी गेम प्ले के बारे में। तो अभी ये मैंने थोड़ी सी गेम प्ले बनाई है ओनली किल्स की, इसके बाद में कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मज़ा आता है तब यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा लेटा हुआ होता है तो फटाफट से उसे मार लेते हैं। एंड ये वाली कैंपिंग यार बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार। ऐसी कैंपिंग करोगे तो हमारे पास भी यार शॉटगन है, तो हम खेल रहे हैं लिविक। हमारे पास यार शॉटगन ऐसी होती है ना, इसकी यार गोलियां बहुत बढ़िया होती हैं लेकिन इसका डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पता क्या, मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ मुझे पता चल जाता है एंड मैं इसे फटाफट से नॉकआउट दे देता हूँ जो कि बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर नॉकआउट हो जाता है एंड इसके बाद एक और बंदा यहाँ होता है एंड ये बहुत बढ़िया, मैं फायर करके इसको नॉकआउट दे देता हूँ। तो ये मैंने ओनली किल्स की वीडियो बनाई है, मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो यहाँ पे एक बंदा होता है और मैं ट्राई करता हूँ कैसे मैं नेट से मारूँ लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और मैं इसे गन से मार देता हूँ क्योंकि मेरा जो नेट है वो ऊपर लग के नीचे गिर जाता है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर दो बंदे होते हैं, ठीक है मैं एक समझता हूँ। एंड एक बंदा तो यहाँ पता है जो कि चौड़ पर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ओ यहाँ पे हेडशॉट लग चुका है। चलो इस पर रश करते हैं, इसे पकड़ के मारते हैं। अरे रुको थोड़ा सा दिखने तो दो। अरे कितने भाग रहे हो यार, उछल रहा है ये सब उछल रहा है। अरे इसका एक और बंदा है, ओ भाई चलो भागो अंदर। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि मैं इसके ऊपर चढ़ूँ लेकिन मेरा बंदा यार बहुत ज़्यादा अजीब है, ये चढ़ता ही नहीं है। और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि ये मेरी फ्री फायर में आए लेकिन ये आ नहीं पाते हैं। एंड ये लोग भी यार बहुत ज़्यादा ढीठ हैं, एक बंदे के ऊपर भी रश नहीं कर रहे हैं। बहुत हार्ड यार, इतना ज़्यादा इससे खौफ है, इतना ज़्यादा यार खौफ होना चाहिए ना, क्योंकि मैं यार इनको पकड़ के मारने वाला हूँ। एंड मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ लेकिन मैं चढ़ नहीं पाता हूँ। तो उसके बाद बोर्ड आ जाता है एंड ये वाला बोर्ड यार बहुत ज़्यादा काम ख़राब करने वाला है। एंड यहाँ पर मुझे बंदा दिख चुका है एंड मैं इसे फटाफट से नॉकआउट दे देता हूँ लेकिन मेरी जो एचपी है वो जीरो से भी कम है। और मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि दूसरा बंदा भी आ जाए स्प्रे में लेकिन ना चिट। ये बोर्ड जो होता है ये बहुत ज़्यादा अजीब होता है, मेरी पेटी बना देता है। एंड मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर से नॉकआउट दे देता हूँ एंड ये फटाफट से यहाँ पर नॉकआउट हो गया लेकिन मेरा जो बंदा है वो मर गया। एंड मैं यहाँ पर आ जाता हूँ रश करने के लिए लेकिन मेरे को पता नहीं था कि बंदा इसके घर के दूसरे घर में, तो वहाँ पर वो बैठ रखा है, वो देखो। ये होती है एस के एस की नाकाम कोशिश और वो मरता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ अब एस के एस गई कद्दू लेने, सीधा गुस्सा इसके अंदर। और यहाँ पे मेरे पास शॉटगन होती है तो पकड़ के इसे मारते हैं। एंड मैं यहाँ पर जाता हूँ और वो कूदता है तो मुझे लगता है वो नीचे कूद गया लेकिन नहीं, वो यहाँ पे ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहा था। लेकिन हमसे थोड़ी ना बच पाओगे। एंड मैं यहाँ पाता हूँ तो यहाँ मुझे बंदा दिख चुका है एंड मैं इसे नॉकआउट दे देता हूँ एंड इसका दूसरा बंदा यहाँ पर होता है तो इसे पकड़ते हैं एंड ये भी हो गया नॉकआउट। तो भाई हमसे थोड़ी ना बच पाओगे, हमारी स्प्रे यहाँ तुम्हें पकड़ के मार देगी। एंड ये यहाँ पे कैंपर होता है तो उसमें पकड़ के मार देता हूँ एंड मुझे स्प्रे पड़ती है दूर से, तो वो दूसरा बंदा यहीं कहीं होना चाहिए। एंड ये मुझे दिख चुका है, ये रहा सांप, तो इसे पकड़ के मारते हैं लेकिन यहाँ पर फटाफट से हील करते हैं लेकिन पकड़ते हैं। ये मर गया तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर ये जो बंदा था वो मर गया, लेकिन गलत होता हूँ मैं, यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा कैंपर्स हैं। ये जो M4 वाला बंदा था मुझे लगा मर गया लेकिन नहीं, ये दूसरी टीम होती है, वो दूसरा सांप पल रखा है वहाँ पे, अजीब सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ थर्ड पार्टी करने के लिए एंड यहाँ पे यार बहुत बढ़िया सीन होने वाला है, इसे पकड़ते हैं। अरे यार हेडफोन तो अच्छे लगाओ, साउंड आ ही नहीं रहे, तो मैं पीछे में आ चुका हूँ और इसे पता नहीं ये ऊपर देखे जा रहा है। खैर इसे पकड़ते हैं और यहाँ पर डैमेज दिया, चलो पकड़ो। ये एक और नॉकआउट और दूसरा नॉकआउट, देखा स्मोक में एडजस्ट, एक को मार दिया और दूसरे को नॉकआउट कर दिया। ये होती है हमारी स्प्रे, तो चलो रश करते हैं। एंड यहाँ पे ये जो बंदा था ये मर गया क्योंकि जो भी बंदे थे वो मैंने मार दिए स्मोक में एडजस्ट करके, ऐसे मारते हैं तो वो तो फिनिश हो गए। तो अब हम दूसरों को पकड़ते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर क्या ही गलत सीन हो गया वो तुम देख लेना। एंड उतरने के बाद यहाँ मुझे शॉटगन मिल जाती है एंड बहुत ज़्यादा बंदे उतर जाते हैं, तो मेरे पास शॉटगन ही होती है एंड दूसरे बंदों की साउंड आ रही होती है तो वो मैं देख के उसे मार दूंगा एंड इसे पकड़ते हैं। एंड ये यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है एंड ऊपर से चलती है पिस्टल, वो जो बंदा है वो ऊपर उतर रखा है मैंने देखा था लेकिन उसके पास अभी पिस्टल है, वो चला रहा होता है ऊपर। और मैं ये सोचता हूँ कि वो ऊपर उतरा है तो पैराशूट से उसके पास गन कहाँ से आ गई, उसके पास पिस्टल कहाँ से आ गई। तो यहाँ मैं देख रहा होता हूँ कि वो मुझे दिख जाए तो मैं उसे पकड़ के मार दूँ लेकिन नहीं आता है, लेकिन ये आखिरकार आ जाता है, इससे भी मुझे मारना होता है। एंड मैं इसे हेड शॉट देख के इससे भी नॉकआउट कर देता हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया सा है। एंड इसके बाद इसका टीममेट है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है एंड मेरे ऊपर रश करने की नाकाम कोशिश करता है क्योंकि वो आएगा ऑफ कोर्स मेरे से मर जाएगा, वो बचने वाला थोड़ी ना है, जितने भी बंदे हैं सबको आने दो।
एंड ये यहाँ पे हो गया नॉकआउट, एक गोली भी नहीं मार पाया। देखा, एक गोली भी नहीं मार पाया और इसकी पेटी बिल्कुल फटाफट से मैं बना देता हूँ। तो इसी पेटी के साथ हमारी वीडियो आती है एंड। तो तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो मुझे बता देना कॉमेंट में। हम ऐसी कम्प्लीटली वीडियो बनाने वाले हैं, कम्प्लीट गेम प्ले की वीडियो बनाने वाले हैं। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई तो हम ऐसी वीडियो बनाएंगे एंड ऐसी सस्ती कॉमेंट्री हमारी होने वाली है। तो अगर तुम्हें पसंद आई तो लाइक कर देना एंड मुझे सस्ता सा कॉमेंट लिख देना कि तुम्हें पसंद आई, तो यार थोड़ा समझो मोटिवेशन मिल जाएगा। तो खैर, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।